नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। सगड़ी तहसील पर कांग्रेस पार्टी की जिला महासचिव अजित राय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा को सौंपा। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सगड़ी तहसील पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए सहारा और पल्स कंपनियों ने करोड़ों लोगों का पैसा आईडी अप्रियाई योजनाओं में भारी मुनाफे का लालच देकर जमा कराया। वहीं गरीब व समान परिवार के लोगों ने अपनी मोटी कमाई इन निजी कंपनियों में जमा की। मियाद पूरी होने के उपरांत भी उन्हें उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। और क्या कुछ कहा जिला महासचिव अजित राय ने, सुनिए। देखिए, तमाम विगत वर्षों में आपने देखा होगा तमाम फ्रॉड कंपनियां ऐसी आई जैसे सहारा पल्स, जो कि मध्यवर्गीय परिवार के छोटे किसानों के मध्यवर्गीय परिवार के FD और RD के डबल पैसा करने के नाम पे पैसा जमा कराई और उनका पैसा दबा के लेके बैठ गई। पैसा जमा कराए तो पावती भी दिया और उस पावती का कोई महत्व नहीं है और आज तक तमाम परिवार तमाम लोग उस पैसे की उम्मीद में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस वजह से आज हम लोग राज्यपाल महोदय को द्वारा SDM के आज ज्ञापन देकर आग्रह किया गया, निवेदन किया गया कि राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देशित करें कि इन बिंदुओं पर विचार करते हुए तमाम छोटे व्यापारियों, उद्योगियों और तमाम छोटे किसानों के पैसे को वापस कराएं। धन्यवाद।